सावन मास की चतुर्दशी यानी शिव चौदश के दिन जहां देश के तमाम शिवालयों में बम भोले के जयघोष के बीच भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया, वहीं बल्लभगढ़ के भी तमाम शिव मंदिरों में सुबह से ही कांवड़ियों और शिव भक्तों का हुजूम लगा दिखाई दिया, जहां भारी संख्या में शिव भक्त जलाभिषेक के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। यूं तो पूरे सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती, लेकिन शिवरात्रि और श्रावण के प्रत्येक सोमवार को बाबा भोले की पूजा के लिए महत्व माना जाता है और इस दिन से मंदिरों का नज़ारा वाकई देखने योग्य होता है। शिव चौदश यानी कि शिवरात्रि के दिन ही कांवड़िया दूर दराज से लाए गंगाजल से शिव का अभिषेक करते हैं और अपनी अपनी मन्नत मांगते हैं। बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी स्थित खेड़ा देवत मंदिर में भी सैकड़ों से भक्तों द्वारा जलाभिषेक किया गया। इस अवसर पर कुछ कांवड़ियों ने बताया कि सावन के महीने में भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए हरिद्वार से जल लाकर उन्हें चढ़ाया जाता है। जलाभिषेक करते हुए दिखाई दे रहे कांवड़िया हरिद्वार से जल लेकर पहुंचे और मंदिरों में जलाभिषेक कर रहे हैं। उस खुशी के मौके पर कांवड़िया डीजे पर जमकर ठुमके और नाचकर खुशियां मना रहे हैं। हरिद्वार से कहाँ पे लेकर आए हैं? बल्लभगढ़ सुभाष कॉलोनी बल्लमगढ़ में। कितनी बार ला चुके हैं और कितना अच्छा लग रहा है? चौथी बार आई है और अच्छा तो इतना लगता है, जब जाते हैं तो मगन भोले की मगन में ही लग जाते हैं। का टप टप आ गया। कितना समय लगा आने में? हमने 2 तारीख को शाम को जल उठाया था और 8 तारीख की रात को पहुँच गए 10:30। कौन सा कावल लाए हैं आप? हम लाए हैं डोलची झूला वाली कावड़। कावड़ ले गया सुभाष कॉलोनी से, हरिद्वार से ले गया सुभाष कॉलोनी का लड़का हूँ। हाँ, हरिद्वार से लेकर आए। कितना समय लगा और कितना अच्छा लग रहा है? समय हमको आज 9:10 आज काफ़ी अच्छा लग रहा है हमको। मैं तो ये कहता हूँ सारे बंदों को जाना चाहिए, उनके आना चाहिए, काफ़ी अच्छा माहौल है वहाँ का।